जय हिंद दोस्तों, अनिल सराय टीचर में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आईटीआई के एओसीपी ट्रेड और एक्स अप्रेंटिसशिप दोनों में से कोई एक भी है उनके लिए वैकेंसी निकल का है दोस्तों। 4 साल के टेन्योर बेसिस रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिए दोस्त, और अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन के माध्यम से भरना है। ये जो वैकेंसी है टेन्योर बेस्ड वैकेंसी है जो कि डीबीडब्ल्यू का मतलब होता है डेंजर बिल्डिंग वर्कर्स की वैकेंसी है, जिसमें नैक जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये देख पाएगा, इससे टेन्योर बेसिस जो जॉब है जिसमें 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट है। पहले तो ऐसे 1 ईयर के लिए रखा जाएगा जिसको बढ़ा करके 4 साल तक किया जाएगा। 19,900 की सैलरी होगी और डीए आपको देखने को मिलने वाला है। स्किल लेवल की वैकेंसी है यूआर के लिए 103, ओबीसी के लिए 67, 37 एससी और एसटी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस 25 और 25 एक्स सर्विसमैन के लिए। हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो एओसीपी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट होता है, एओसीपी का फुल फॉर्म अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से जो ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं या आप अप्रेंटिसशिप दोनों में से कोई होता है, 10th+ अप्रेंटिसशिप किए हैं, टीयर 10+ आईटीआई एओसीपी ट्रेड से किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर या अदर ट्रेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 30 साल का आपके एज होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला, ये अच्छी बात है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, एओसीपी जो ट्रेड है उन्हीं के लिए है। टेन्योर बेसिस जॉब है, आपको इस तरह से फॉर्म भरना होगा, ऊपर एनवेलप पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब लिखना होगा। और ये जो एड्रेस दिखाई दे रहा है जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा चंद्रपुर महाराष्ट्र, इस पिन कोड पर आपको भेज देना है। फॉर्म जो है 20/6 तक भरा जाएगा। इसके पहले इटारसी से ही वैकेंसी निकल के आई थी, अभी जो है चंद्रपुर की तरफ से निकल के आया है। जॉब स्पेसिफिकेशन में देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव के लिए है, जो मिलिट्री है उसी के लिए है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है तो पहले आपको आईटीआई के ट्रेड के जो मार्क्स है उसी के आधार पर पहले सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मेल या ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिस्ट जारी करके बताया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए देखिए आपको एक मंथ के अंदर ही आपको बुला लिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वेटेज जो है इसमें आपको दिया जाएगा आपके आईटीआई का जो मार्क्स है उसका 80% और 20% आपका ट्रेड टेस्ट का वेटेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक अच्छी वैकेंसी है लेकिन सभी के लिए नहीं है। पहले आपको 1 साल के लिए रखा है, फिर आपको 4 साल के लिए उसको मतलब मैक्सिमम आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। 19,900 तो आपकी सैलरी है लेकिन इसमें आपको जो एक्चुअल सैलरी से बढ़कर के लगभग 25,000 तक सैलरी आपको बन पाएगा। यहाँ पर यह एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भेजना है पोस्ट के माध्यम से लेटर के, इसको प्रिंट आउट करके इसके साथ और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि जन्मतिथि का प्रूफ, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप कैसे किया तो उसका सर्टिफिकेट। और एक बात, अप्रेंटिसशिप सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो अप्रेंटिसशिप की बात कही गई है, तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही होना चाहिए, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब हो गया है म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड, उसी के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, और आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो अगली अगर ऐसा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल कई सारी वैकेंसी चैनल पर मौजूद है, गुजरात मेट्रो है, बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर, IOCL, SSB, MES, SSB, इंडियन पोस्ट ऑफिस, हाल की बार के तो खत्म हो चुका है। इधर देखिए तो रेलवे का 3 अप्रेंटिसशिप का फॉरम है, एयरफोर्स CCL ने भी, DRDO जैसे और भी कई सारे अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, चेकआउट कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।